क्वेश्चन थर्टी सिक्स है द डायग्राम एवब इज सिमेट्रिक डायग्राम आप हाउस होल्ड सर्किट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हाउस होल्ड सर्किट का एक सिमेट्रिक डायग्राम दिया हुआ है द हाउस सोन इन दब डायग्राम हैज फाइव यूजल स्पेसेस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आर मेड और ये घर जो यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे आप गिन सकते हैं वन टू थ्री फोर पाँच यहाँ पे ऐसे जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बने हुए हैं फार दिस हाउस द मेन्स है पर वोल्टेज ऑफ 220 हंड्रेड ट्वेंटी बोल्ट एंड द नेट करेंट कमिंग फ्राम द मेन्स इज ट्वेंटी टू तो इस घर के लिए जो वोल्टेज है वो 220 हंड्रेड ट्वेंटी बोल्ट है और जो करेंट है मेन्स से जो आ रहा है वो 22 टू एम का है इसमें क्वेश्चन ये है कि वाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन टू ऑल द स्पेसेज इन द हाउस फ्राम द मेन्स कि जो मोड ऑफ कनेक्शंस है सारी स्पेसेस में घर में जो कि मेन से आ रहा है वो कैसा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जो कनेक्शन हैं उसके सेम सिरे जैसे कि सिरा ए है वो यहाँ पे एक साथ जुड़ा हुआ है और बाकी जो हिस्से हैं यहाँ पे सिरे बी से जुड़े हुए हैं ये कौन सा कनेक्शन होगा ये होगा पेरेलर कनेक्शन क्योंकि पेरेलर कनेक्शन में सेम सिरे जुड़े हुए होते हैं और ऐसे भी इसको याद रखिएगा कि जो हाउसिंग में कनेक्शन होता है घर में वो पेरेल कनेक्शन ही होता है अब थर्टी सिक्स के आंसर में लिखेंगे कि द मोड ऑफ कनेक्शन टू ऑल द स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मेन्स अब इसका क्वेश्चन भी देखिए कि द स्पेसेस फाइव एंड फोर हैव द सेम रसिस्टेंस एंड स्पेसेस थ्री एंड टू हैव रिस्पेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी ओम एंड थर्टी ओम तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो फाइव और फोर प्लेसेस हैं इसमें का जो रसिस्टेंस सेम है और स्पेसेस थ्री और टू के जो रसिस्टेंस हैं वो ट्वेंटी ओम और थर्टी ओम है स्पेस वन है ज रेसिस्टेंस डबल दैट ऑफ स्पेस फाइव और स्पेस फाइव में जो रेसिस्टेंस है उसके डबल रेसिस्टेंस जो है ना इस्पेस वन के पास है तो व्हाट इज़ द नेट रसिस्टेंस फॉर स्पेस पाइप तो स्पेस फाइप के लिए नेट रसिस्टेंस क्या होगा तो देखिए ये जो है ना एक पेलर कनेक्शन का क्वेश्चन है इसमें मान लीजिए हम लोग फाइव और फोर को एक्स ओम मानते हैं तो वन जो है ना टू एक्स ओम हो जाएगा और पेलर कनेक्शन को यूज करके फिर स्पेस फाइप पर हम जो रसिस्टेंस है उसको फाइंड आउट कर लेंगे चूँकि ये जो कनेक्शन है हाउस होल्ड कनेक्शन वो पैरेलल होता है तो इसको हम इस डायग्राम से काफ़ी इजी वे में समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए मैंने एक पेलर कनेक्शन का डायग्राम बनाया हुआ है ये स्पेस वन का रसिस्टेंस है और उसी प्रकार से टू थ्री फोर फाइव के रसिस्टेंस को यहाँ पे मैंने पेलर कनेक्शन में अरेंज किया है जो कि टू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट के एसी मेन्स के सप्लाई से कनेक्टेड है और ए सी मेन्स से जो करेंट निकल रहा है वो ट्वेंटी टू एम का निकल रहा है फिर इस क्वेश्चन में फाइव और फोर का जो रसिस्टेंस है वो सेम है बोला है लेकिन दिया नहीं है उसको हम यहाँ पे मानेंगे कि लेट रसिस्टेंस आप स्पेस फाइव एंड फोर बी एक्स ओम्स रिस्पेक्टिवली इसके बाद यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन में कि जो स्पेस वन का रेसिस्टेंस है वो स्पेस फाइव के रेसिस्टेंस से दो गुना है इसीलिए हो जाएगा टू एक्स ओम्स और इसमें दिया है रेसिस्टेंस ऑफ स्पेस टू इक्वल टू थर्टी ओम्स और रसिस्टेंस ऑफ स्पेस थ्री इक्ल टू ट्वेंटी ओम्स और यहाँ पर करेंट हमको दिया हुआ है ट्वेंटी टू एमपियर का और वोल्टेज दिया हुआ है टू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट का तो मान लीजिए यहाँ पर टोटल जो है वो कैपिटल आर है तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू कैपिटल आर अब हमको मालूम है होम्सल ला से आर इक्वल टू वी बाई आई होता है तो इसी को यूज करेंगे हम लोग अब यहाँ पे देखिए जो पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेसिस्टेंस है वन अपन आर इक्वल टू क्या होगा वन अपन इसको आर वन ले लीजिए प्लस वन अपन आर टू ले लीजिए प्लस वन अपन आर थ्री ले लीजिए प्लस वन एफ आर फोर ले लीजिए प्लस ओन अपन आर फाइव है ना यहाँ पे आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और आर फाइव जो है ना वो रेसिस्टेंसेस हैं वन टू थ्री फोर और फाइव स्पेसेस के अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वन एफ आर वन जो है आर वन यहाँ पर दिया हुआ है टू एक्स इसको हम माने हुए हैं आर टू जो है यहाँ पर थर्टी ओम है आर थ्री ट्वेंटी है आर फोर एक्स होगा और आर फाइव जो है ना ये आपका वन अपॉन ए बी एक्स होगा और यहाँ पे आर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो भी का जो वोल्टेज है टू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट है और एम्पेयर ट्वेंटी टू है तो ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी टू और ट्वेंटी टू वन जो ट्वेंटी टू जीरो तो यहाँ पर हमको मिलेगा टेन ओम तो इसका इक्वलेंट हमको रेसिस्टेंस कितना मिला टेन ओम इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा वन अपान टेन ओम इक्वल टू इन सब का जो एल सी एम है वो आ जाएगा लेकिन एलसीएम आएगा थर्टी एक्स सॉरी सिक्सटी एक्स आएगा ये क्योंकि थर्टी टू जो सिक्सटी और सिक्सटी से सारे के सारे ये डिवाइड हो जाएंगे अब इसको देखिए टू को सिक्सटी एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा थर्टी प्लस यहाँ पे मिलेगा टू एक्स प्लस यहाँ पे थ्री एक्स प्लस यहाँ पे सिक्सटी प्लस यहाँ पे सिक्सटी मिलेगा ठीक है इसको आगे जाके सालों करेंगे तो यहाँ पे होगा वन अपन टेन इक्वल टू इसको एड करेंगे तो सिक्सटी सिक्सटी वन ट्वेंटी और थर्टी वन फिफ्टी प्लस फाइव एक्स डिवाइड बाई सिक्सटी एक्स ठीक है और इस जीरो को इससे हम लोग काट सकते हैं जीरो से ज़ीरो कट गया अब इसको आगे साल्वो करेंगे तो यहाँ पे आल लिख के सिक्स एक्स इक्वल टू वन फिफ्टी प्लस फाइव एक्स अभी फाइव एक्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स इक्वल टू वन फिफ्टी तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा वन फिफ्टी होम ठीक है हमको एक का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला 150 फिफ्टी ओम और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट रसिस्टेंस फॉर स्पेस फाइव तो स्पेस फाइव और फोर दोनों का नेट रेसिस्टेंस सेम है जो कि है वन इसको आंसर में हम लोग लिख लेंगे तो रसिस्टेंस ऑफ स्पेस फाइव इक्वल टू वन फिफ्टी ओम अब इसमें क्वेश्चन सी है कि व्हाट इज द करेंट इन स्पेस थ्री स्पेस थ्री में जो है ना करेंट कितना होगा तो देखिए जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है उसके हेल्प से इस्पेस थ्री में जो करंट है उसको ईजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे सी में देखिए यहाँ पे स्पेस थ्री में जो रसिस्टेंस है वो ट्वेंटी ओम का है अब इसमें हमको पूछ रहा है कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा और जो वोल्टेज है चूँकि पेल है तो इसका वोल्टेज जो है टू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट होगा ठीक है तो फार्मूला क्या होगा आई थ्री लिख देते हैं क्योंकि स्पेस थ्री के लिए करेंट है इक्वल टू वी बाई यहाँ पे आर थ्री लिख देते हैं क्योंकि आर थ्री स्पेस थ्री का रेजिस्टेंस है तो बी का वैल्यू यहाँ पे टू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट है और आर थ्री जो है वो ट्वेंटी है जीरो से जीरो कट्टा टू अंजा टू अंजा टू अन्जा इक्वल टू इलेवन एमपियर ठीक है तो जो स्पेस थ्री है ना उसमें जो करेंट फ्लो होगा वो इलेवन एमपियर का होगा इसको यहाँ पे लिखेंगे कि द करेंट इन स्पेस थ्री इक्वल टू इलेवन एमपियर इसमें क्वेश्चन डी है व्हाट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड the रेस्ट ऑफ the हाउस इलेक्ट्रिकल appliances टू सेव them from एक्सीडेंटल हाई इलेक्ट्रिक current क्या चीज़ जो है बीच में हम डाल सकते हैं मेन कनेक्शन और बाकी रेस्ट ऑफ द हाउस कनेक्शन से या इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज से ताकि एक्सीडेंटल हाई करेंट आ जाए हाई इलेक्ट्रिकल करेंट आ जाए उससे इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज को बचाया जा सके अब इसका एंसर डी में लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूजेज एम सी बी शुड बी प्लेसड बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द हाउसेस इलेक्ट्रिकल एप्पलायसेज टू प्रोटेक्ट देम फ्राम सडन सर्जेज इन इलेक्ट्रिक करेंट